हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग जो एक पेजिनेशन वेनिला जावास्क्रिप्ट में एक पेजिनेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ ब्लॉग पोस्ट है जो आप यहाँ देख रहे हैं, और नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर ईच इंडिविजुअल पेजिनेशन है। जैसे ही मैं किसी एक इंडिविजुअल पेजिनेशन पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं नया सेट ऑफ डेटा आकर के यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है बेसिकली आईडी है जो बता रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेके यहाँ पर 10 तक रेंडर हुआ है। मैं 2 पे क्लिक करूँ, आप देख सकते हैं 11 से लेके यहाँ पर 20 पर रेंडर हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे जहाँ पर हम लोग वेनिला जावास्क्रिप्ट में ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे एज अ CSS लाइब्रेरी, हम लोग जेसन सर्वर यूज़ करेंगे एज अ डमी REST API, और जिसे यूज़ करके हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच से। ओके ओके, सो ये वीडियो आप कंटिन्यू करें जहाँ पर फ्रॉम स्क्रैच से हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी स्टक हो जाते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जहाँ पर गिटअप का लिंक है, जहाँ आप जाकर के आप देख सकते हैं कि आपने कोड जो लिखा है वो प्रॉपर या नहीं। ओके सो आप एक्साइटेड हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, इस वीडियो में हम लोग जो है पार्सल पेजिनेशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग पार्सल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक मॉड्यूल बंडलर है, और जहाँ पर हम लोग ES6 और काफ़ी सारे फीचर्स हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पार्सल के बारे में और जानना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ पर आप जाके पार्सल के बारे में और सीख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी npm install -g पार्सल बंडलर इस तरीके से ऑलरेडी कर लिया है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर पार्सल को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। आप ये ऑलरेडी कर लें ताकि पार्सल ग्लोबली अवेलेबल रहे। ऑलराइट, और यहाँ पर मैं अब देख सकते हैं कम्प्लीटली एम्प्टी प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मैं npm init -y रन करता हूँ, जिससे एक एम्प्टी पैकेजेशन फाइल बन जाएगा। ऑलराइट, अब मैं इसको VS Code में इधर ओपन करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है। ओके, और इधर पैकेज जेसन फाइल में आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक एम्प्टी पैकेज जेसन फाइल है, और यहाँ पर मैं एक स्टार्ट स्क्रिप्ट बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं रन करूँगा पार्सल सर्व इंडेक्स और HTML, जो बेसिकली एक एम्प्टी ये कमांड रन करने से हम लोगों को एक डमी सर्वर बन जाएगा जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ और उसका मैं नाम दे देता हूँ इंडेक्स और HTML, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर उसको मैं क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पर वो स्टार्ट स्क्रिप्ट है, तो मैं सिंपली इसको अब यहाँ रन करूँगा npm रन स्टार्ट, जिससे वो एक डमी सर्वर बन जाएगा और हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ एंड पॉइंट में यहाँ पर, और देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल है। और लेट्स सपोज यहाँ पर आने के बाद मैं कुछ यहाँ पर चेंजेस करूँगा, और मैं सेव करके यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर मैं डमी जेसन, आप देख सकते हैं पेजिनेशन करने के लिए हमें कोई ना कोई एक सर्वर चाहिए होगा, ताकि उस एंड पॉइंट पे हम लोग API कॉल करें, हम लोग को रिस्पांस मिले। और ये रिस्पांस बहुत स्पेसिफिक है, बिकॉज हम लोग को एक सर्टन नंबर ऑफ डेटा ही एट अ टाइम लेके आना है। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर हम जेसन सर्वर का इस्तेमाल करेंगे। तो जेसन सर्वर जो एक डमी जेसन देता है जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जेसन सर्वर के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने npm install -g json server ये कमांड आप रन कर ले। इससे क्या होगा कि हम लोग को एक डमी सर्वर मिल जाएगा जो हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ओके, हम लोगों को पूरा बैकएंड कंसेप्ट या जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट में मैं db.json करके फाइल बनाता हूँ। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में आप ये नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों को एक सर्वर चाहिए जिससे हम लोग जो फ्रंट एंड कोड लिख रहे हैं वो इंटरेक्ट कर सके। राइट, तो इसलिए मेरे को ये ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर ये जो डमी जेसन प्लेस होल्डर typecode.com/post इस पर ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, बिकॉज यही हम लोग यूज़ करेंगे हमारे पेजिनेशन के लिए। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर मैं होगा पोस्ट, और यहाँ पर वो जो एरे था वो मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अभी ये पेस्ट करने से क्या होगा कि मुझे एक एंड पॉइंट मिल जाएगा, इस एंड पॉइंट पर मैं API कॉल कर सकूँगा। मैं आपको एक डेमो देता हूँ, इसमें काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अभी सिंपली यहाँ पर ls करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर db.json फाइल है। ओके, और यहाँ पर मैं रन करता हूँ जेसन सर्वर -watch db.json, जिससे आप देख सकते हैं कि अब एक एंड पॉइंट बन गया है। आप देख सकते हैं /post इस इधर API कॉल करने से हम लोगों को रिस्पांस मिल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर मैं पोस्टमैन में आता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, और मैं सेंड करूँगा, आप देख सकते हैं सारा रिस्पांस मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर post /1 करूँगा, आप देखेंगे मुझे सिर्फ एक ही मिलेगा।
उसी तरीके से मैं यहाँ पर 2 करूँगा तो मुझे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ही मिलेगा। उसी तरीके से लेट सपोज़ यहाँ पर मैं एक क्वेरी पर हम यहाँ दे सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं अंडरस्कोर बोलूँगा कि स्टार्ट होगा 1 से, ओके। यहाँ पर अब मैं देता हूँ कि एंड, यहाँ पर मैं दे देता हूँ इक्वल टू 10, और यहाँ पर मैं सेंड रिक्वेस्ट करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेके 10 तक ही यहाँ पर वो आएगा, हम देख सकते हैं, पर उसके आगे नहीं आया। आप ये देखिए कि ये स्लैश पोस्ट में 100 ये प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसे, पर यहाँ पर वही आए जिनकी स्टार्टिंग जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 से लेके यहाँ पर 10 तक वो आ गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि लेट सपोज़ ये जो ये एक देख सकते हैं 2, लेकिन आप देखेंगे पूरा नहीं है बिकॉज़ ये आई डी 1 2 से चालू हुआ, ये 3 से चालू हुआ, तो यहाँ पर 1 स्टार्ट की जगह मैं 0 दे देता हूँ और मैं सेंड करूँ। आप देख सकते हैं कि 1 2, ये आई डी आप देखें यहाँ पर आई डी 1 2 3 ऐसे करते हुए यहाँ पर आपको 10 तक मिल जाएगा। अभी लेट सपोज़ आप इमेजिनेशन के कंसेप्ट में आपको लेट सपोज़ उसके बाद में का चाहिए कि 10 से लेके आगे का चाहिए, तो आप यहाँ पर 10 दोगे और यहाँ पर आप 20 दे दोगे तो आपको नेक्स्ट 10 के वैल्यूज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं आई डी 11 से लेके आपको आई डी 20 तक यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पैजिनेशन का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा वैल्यू लेंगे नहीं लेके आएंगे, हम लोग एक चंक्स में पे एगोल करेंगे ताकि हम लोगों को पूरा वैल्यू के बजाय एक सर्टन डेटा मिले, ना कि पूरा डेटा। आप देख सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पर आप डायरेक्ट पोस्ट पे एंड पॉइंट पे एपीआई कॉल करोगे वो पूरा 100 पोस्ट देता है, जो कि एक आइडियल नहीं है, ओके। हमें 100 पोस्ट नहीं दिखाना है, हमें एक सर्टन पोस्ट यहाँ पर दिखाना है एट अ टाइम, ओके। तो यहाँ पर अभी लेट सपोज शुरू करने के लिए यहाँ पर एंड पॉइंट हमें मिल गया है, हमें यहाँ पर एचटीएमएल फाइल है, हम लोग वर्क करना अभी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ और यहाँ पर इंडेक्स और जेएस को मैं पॉइंट कर देता हूँ, ओके, डॉट जेएस, और ये फाइल मैं यहाँ पर ही क्रिएट करता हूँ, उसका भी नाम मैं देता हूँ इंडेक्स और जेएस। राइट, सो यहाँ पर अभी मैं इसको ही डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर मैं अभी इंस्टॉल करूँगा npm install axios और डैश सेव, जिससे वो axios इंस्टॉल हो जाएगा और हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। और आप देख सकते हैं पैकेज जेसन में यहाँ पर axios है और हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी सिंपली मैं इम्पोर्ट करता हूँ axios फ्रॉम axios, ओके, और यहाँ पर हम लोग API कॉल करेंगे डॉट गेट में। और यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम एक है, मैं इसको API कॉल करने से पहले आपको मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ। प्रॉब्लम लेट सपोज ये कि हम लोग उसे नंबर्स कैसे बताएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि इसमें टोटल कितना है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ देखोगे कि मैंने एंड पॉइंट कॉल किया, ठीक है, और लेट सपोज यहाँ जो स्टार्टिंग था कि यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ये 0 से और एंड हो रहा है यहाँ पर वो 10 पे, और मैं ई पे कॉल को देख सकते हैं कि वो फर्स्ट 10 वैल्यूज़ मुझे दे देगा, ग्रेट। पर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि टोटल कितना है, बिकॉज हम लोग को यहाँ टोटल भी तो दिखाना है नीचे, जिसमें आप देख सकते हैं आपने देखा होगा कि 1 2 3 इस तरीके से हमें एक नंबर्स दिखानी है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि टोटल कितना है यहाँ पर, तो वो आप देखेंगे हेडर्स में हम लोग यहाँ पर एक्स टोटल काउंट में पता चलता है कि एक्चुअल इसमें टोटल वैल्यू कितनी है। हमें मिला अभी यहाँ पर पहला 10 है पर यहाँ टोटल 100 है, तो पैजिनेशन में हमें पहले आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर टोटल 100 है, तो वो हिसाब से हम लोग वहाँ पर नंबर्स दिखाएंगे। आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो डोंट वरी, ये पूरा जैसे प्रोजेक्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लियर होता जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करूँगा UI के लिए, ओके। मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये जो CSS है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इंडेक्स और HTML में यहाँ पर मैं हेड में यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा और वो अवेलेबल है, ओके। अभी यहाँ पर पैजिनेशन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि सर पैजिनेशन एक कंसेप्ट है, यहाँ पर मैं ओपन करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वो अवेलेबल है। तो अभी कहने का मकसद ये है कि अगर पोस्ट में 100 अवेलेबल है तो कितने ये नंबर्स हमें दिखाने हैं, बिकॉज इस पर क्लिक करेंगे 1 पे तो हमें पहले 1 से लेके 10 तक के वैल्यूज दिखानी है। जैसे ही 2 पे क्लिक होगा तो हमें 11 से 20 तक का दिखाना है, जैसे ही 3 पे क्लिक होगा तो हमें 21 से 30 तक का दिखाना है, करेक्ट। तो वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम लोग ये नंबर्स कैसे रेंडर करेंगे, बिकॉज हमेशा हमें पता नहीं है कि उसके अंदर टोटल वैल्यूज़ कितनी होंगी, बिकॉज वो चेंज हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये एक्स टोटल काउंट जो हम लोग को यहाँ पर हेडर्स में मिल रहा है, इससे हमें पता चलेगा कि हम लोग को ये जो नंबर्स है कितने रेंडर करने के हैं, ठीक है। सो जैसे हम लोग ये बनाएंगे ये आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ओके, सो डोंट वरी। अभी सिंपली मैं इसको ये जो कॉम्पोनेंट है इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे इधर पैजिनेशन में यहाँ पर वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग को UL है,
हम लोग ईच इंडिविजुअल एलाइज यहाँ पर ऐड करनी है बेस्ड अपॉन जो हम लोगों को वहाँ वैल्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले पैजिनेशन बनाते हैं और फिर उसके ईच इंडिविजुअल वैल्यूज जो हमें ऊपर रेंडर करने की वो बनाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिस्ट ग्रुप भी कर लेते हैं, यहाँ पर मीडिया लिस्ट होगा। ओके, तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिंपली। ओके, तो यहाँ ही मैं इसको भी यहाँ यूज़ करूँगा, तो ये यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर लास्ट के जो दो है मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इमेज नहीं है इसलिए इमेज की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी सिंपली पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र में। ओके, वहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं कि ओके, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं पर भी, तो मैं इसको यहाँ प्रॉपर कर देता हूँ लिंक, और तो ब्रेक हो गया है, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, आई थिंक कोई इश्यू इधर आया है। राइट, और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। राइट, अब देख सकते हैं कि वो चल रहा है। ग्रेट, वो थोड़ा कहीं ना कहीं एक इशू आ गया था, अभी मैं इसको पूरे जितने भी कंपोनेंट हमारा है मैं इसको एक कंटेनर के अंदर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं रिफ्रेश देख सकते हैं। ओके, दिखाई दे, अभी हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों को API कॉल करने के बाद हमें पता चले कि ये वैल्यूज़ हमें इधर कितने रेंडर करने के और ये वैल्यूज हमें कितने रेंडर करने हैं कि ये API कॉल करके हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अभी यहाँ पर API कॉल करते हैं, तो यहाँ पर मैं Axios डॉट गेट यूज़ करूँगा, और यहाँ पर API कॉल जो मुझे करना है वो यहाँ पर इस एंड पॉइंट में करना है, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। राइट, और यहाँ पर मैं एक इसी को यहाँ पर मैं बीच में पेस्ट कर देता हूँ। राइट, और यहाँ पर स्टार्ट 0 है और एंड यहाँ पर 10 है। ओके, और यहाँ पर डॉट देन में मैं API कॉल यहाँ पर करता हूँ। ओके, और यहाँ पर हम लोगों को रिस्पांस मिलेगा। ओके, और इस रिस्पांस को हम लोग फिलहाल कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिस्पांस। ठीक, और यहाँ पर आता हूँ मैं ब्राउज़र में, यहाँ पर आके इंस्पेक्ट एलिमेंट कंसोल, और यहाँ पर देख सकते हैं API कॉल गया है और रिस्पांस में हम लोगों को यहाँ पर डेटा में वो सारा वैल्यूज़ मिल जाएगा जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, जो पहला 10 हमने रिक्वेस्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रिस्पांस में यहाँ पर हेडर्स होता है और हेडर्स में हमें एक्स टोटल काउंट में हमें 1000 यहाँ मिल जाएगा, जिससे हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली टोटल वैल्यूज इधर कितनी है। अभी यहाँ पर ध्यान रखें कि ये रेंडर करने के लिए, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर प्रीवियस को इग्नोर करते हैं और यहाँ नेक्स्ट को इग्नोर करते हैं, हम लोग सिर्फ नंबर्स देंगे इधर। ओके, और फिर बाद में देखते हैं कि हम लोग प्रीवियस और नेक्स्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या, अगर टाइम बचेगा तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी ये टोटल यहाँ पर पता चला कि 100 है, हम लोग को एट अ टाइम कितना बताना है, यहाँ पर हमें 10 बताना है, 0 से 10 तक यहाँ पर 10 वैल्यूज़ बतानी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बिकॉज हम लोगों को लेट सपोज ये कुछ भी हो सकता था, तो जो वैल्यूज़ जो टोटल है के डिवाइडेड बाय जितने वैल्यूज़ हमें बतानी है, लेट सपोज अगर हम लोग को 5 बताना होता, ओके, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 20 हम लोग को ये नंबर्स लगेंगे, यहाँ पर ये 20 नंबर्स, यहाँ पैजिनेशन के जो नंबर्स है ये हम लोग को 20 लगेंगे बिकॉज 20 पेजेस है। अगर लेट सपोज ये 10 होता, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, तो 10 नंबर्स वहाँ पर लगेंगे। राइट, बिकॉज यहाँ पर 10 पेजेस यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। उसी तरीके से आपको जो टोटल नंबर आपको मिल रहा है, लेट सपोज ये कोई ऑड नंबर हो, लेट सपोज यू नो 56 डिवाइड बाय 10, तो आप देख सकते हैं ईच इंडिविजुअल पेज में हम लोग को सिर्फ 5 यहाँ पर दिखेगा। ओके, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो टोटल वैल्यूज आ रही है डिवाइडेड बाय जितना काउंट आपको दिखाना है उतने नंबर्स और वैल्यूज हम लोग को इधर रेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर अब रिस्पांस में यहाँ पर हम लोगों को जो चाहिए वो है रिस्पांस डॉट हेडर्स डॉट, यहाँ पर जो वैल्यू के नाम हेडर्स में यहाँ पर है एक्स टोटल काउंट के, ये हम लोग को चाहिए। राइट, सो इसको मैं इस तरीके से एक्सेस कर लेता हूँ, यहाँ हमें टोटल काउंट मिल जाएगा। राइट, तो मैं इसको एक वेरिएबल में यहाँ स्टोर कर देता हूँ, कॉन्स कॉस्ट टोटल काउंट और इक्वल टू होगा ये। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोगों को टोटल कितने हम लोगों को एट ए टाइम दिखाने, कितने काउंट दिखाने एट ए टाइम। राइट, पर पेज काउंट कितना है, तो पर पेज काउंट हम लोग लेट सपोज यहाँ पर हम लोग
5 दिखाना चाहते हैं तो पर पेज काउंट कितना है, 5 होगा। अगर हमें 10 दिखाना, 10 होगा। तो लेट्स सपोज हम लोग 10 के लिए यहाँ पर लेते हैं, पर पेज काउंट 10 है। तो अभी कितने नंबर्स, अभी इससे हम लोग को टोटल मिल गया, हमें पर पेज काउंट मिल गया, तो इससे हमें पता चलेगा कि हम लोग को ये जो पेजिनेशन है कितने रेंडर करने के। तो यहाँ पर अभी देखोगे कि बिकॉज हमारे यहाँ 100 है डिवाइडेड बाय हम लोग 10 करेंगे तो हमें एग्जैक्ट नंबर्स मिलते हैं। पर समटाइम्स ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के हमें परफेक्ट राउंड नंबर्स मिले। हम लोग को यहाँ पर यू नो लेट्स सपोज 45 वैसा भी मिल सकता है। तो अभी हम लोगों को कितने दिखाने के हैं यहाँ पर, पर पेज में हम लोगों को जो दिखाने के हैं वो है 4 जो यहाँ पर दिख पा रहे हैं, ठीक है, राइट। सो अभी हम लोगों को पता चला है कि हमें 4 पेजेस दिखाने की जिससे वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, मैथ डॉट फ्लोर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिससे यहाँ पर 45 डिवाइडेड बाय 10 करने से हमें डायरेक्ट 4 मिलेगा इंस्टेड ऑफ 4.5। तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं मैथ डॉट फ्लोर का इस्तेमाल करूँगा, जहाँ पर मैं टोटल काउंट स्लैश पर पेज काउंट, ठीक है, जिससे हम लोगों को यहाँ पर कितने नंबर्स ऑफ पेजिनेशन मिलना चाहिए मिल जाएगा यहाँ पर। तो मैं काउंट काउंट पेजिनेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। अभी हम लोगों को एक नंबर ऑफ पेजिनेशन मिले हैं तो हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, लेट आई इक्वल टू 0, यहाँ पर होगा आई इक्वल टू लेस देन काउंट पेजिनेशन नंबर डॉट नंबर्स होगा डायरेक्ट, ओके, इक्वल्स टू आई प्लस प्लस, ओके। और अभी ईच इंडिविजुअल नंबर्स हमें मिले हैं, उतने नंबर ऑफ हम लोगों को यहाँ पर एलाइज बनाने की है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली एलाई क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग ये क्लास ऐड करेंगे, और उसके अंदर हम लोगों को एक एंकर टैग होगा और जिसका यहाँ पर पेज लिंक इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं, ओके। और राइट, सो अभी हम लोग ये एंकर टैग क्रिएट करेंगे, ये एंकर और एलाई। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके। सो हम लोग को एक एंकर टैग चाहिए, एक एलाई चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एंकर टैग को क्रिएट करेंगे, जो हम लोग यहाँ पर देखे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंकर उसको डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट, ओके। यहाँ पर हम लोग एंकर टैग क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर एंकर में डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम लोग पेज डैश लिंक यहाँ पर दे रहे हैं, ओके, जो क्लास हम लोग को इधर देनी थी। और इसमें ही हम लोग यहाँ पर एंकर को डॉट यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट कॉल करेंगे, उसमें हम लोग एचरेफ ऐड करेंगे, जो बेसिकली यहाँ पर एक एम्प्टी हैश होगा, ठीक है, जिससे हम लोग यहाँ पर हम लोग इधर इसको राउट नहीं करना है, रिडायरेक्ट नहीं करना है। इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर पेज आइटम क्रिएट करेंगे जो बेसिकली एलआई है, और यहाँ पर हम लोग इसको इन डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यहाँ पर एलआई पास करेंगे, ओके। यहाँ पर पेज आइटम डॉट यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पर सिंपली क्लास लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं डॉट ऐड, और हम लोग यहाँ पर पेज आइटम ऐड करेंगे। इससे हम लोग क्लास जो ऐड क्लासेस जो ऐड करने की थी हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पेज आइटम ऐड कर दिया, अभी हमने एंकर ऐड कर दिया, अभी हम लोग को एंकर ऐड करना है एलआई पे। तो यहाँ पर पेज आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर हम लोग एंकर पास करेंगे जो बेसिकली जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है उसमें हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। तो अब ये कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पर एंकर बनाया, यहाँ पर एलआई बनाया, और दोनों को हम लोग को इधर मर्ज कर दिया, ओके। अभी फाइनली हम लोगों को जो यहाँ पर इस पेजिनेशन है उसमें हम लोगों को अपेंड कर देना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं इस पेजिनेशन को यहाँ पर मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ इधर ऊपर, ओके। यहाँ पर मैं इसको पेजिनेशन के पेजिनेशन रैपर इस तरीके से नाम दे देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ओके। और यहाँ पर हम लोग डॉट पेजिनेशन इस तरीके से इसको एक्सेस कर लेंगे। अब भी जब हम लोग ईच इंडिविजुअल एलआई क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग इसको इसी जैसे यहाँ अपेंड कर रहे थे, वैसे अभी हम लोग पेज रैपर को इधर अपेंड कर देंगे, ताकि अब वो ईच इंडिविजुअल जो पेज आइटम है वो यहाँ पर दिख जाए। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ब्राउज़र में आ जाता हूँ, और यहाँ पर आके रिफ़्रेश करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर उतने नंबर ऑफ वैल्यू इधर आ गए। तो अभी ये अंदर कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है, तो सिंपली यहाँ पर एंकर टैग में यहाँ पर इनर एचटीएमएल में ये जो आई यहाँ पर है वो मैं ऐड कर दूँगा, ताकि वो उधर नंबर्स
दिखना शुरू हो सके, जो कि हम देख पा रहे हैं 0 से लेकर 9 तक। पर जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को 0 से 9 तक है, हम लोग को 0 अगर नहीं दिखाना है, आपको 1 से 10 तक दिखाना है, तो सिंपली यहाँ पर मैं तो इंस्टेड हम लोग यहाँ पर i+1 इस तरीके से करेंगे, ताकि हम लोग इसको मॉडिफाई ना करें, हम लोग सिर्फ एक और ऐड करके इनर स्टेबल में यहाँ पर देते हैं। आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक अब वो दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से लेट्स सपोज हमारा इंटेंशन यहाँ पर 5 दिखाना था, तो हम लोग यहाँ पर 5 ऐड करके मैं यहाँ पर अभी रिफ्रेश करूँगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी 1 से लेकर 20 तक यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। और जैसे ये रेंडर हो रहा है, उससे पहले मैं ये जो रैपर है, ठीक है, ये अपेंड होने से पहले पहले मैं जो रैपर के डॉट इनर एचटीएमएल में मैं इक्वल टू यहाँ पर एम्प्टी दे देता हूँ, बिकॉज वो रीसेट हो जाए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको हम लोग रिमूव कर दें, ओके। ताकि आप भी देख सकते हैं कि 1 से लेकर 20 तक वो दिखाई देगा, बिकॉज हमारे पास 100 वैल्यूज़ है और इच इंडिविजुअल पेज पर हम लोग 5 दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर 20 यहाँ पर रेंडर हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं ये लॉजिक एग्जैक्टली सेम रहेगा, आप जो भी यू नो यूआई कंपोनेंट बना रहे हैं पेजिनेशन में, तो ये सेम एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा। अभी हम लोगों को यहाँ पर नेटवर्क टैब में यहाँ पर हम लोगों को ये जो डेटा जो है वो यूज़ करके अभी हम लोग यहाँ पर रेंडर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंड पॉइंट गया है, हम लोगों को डेटा में यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जा रहा है, ओके। तो अभी हम लोगों को चाहिए कि ईच इंडिविजुअल वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रेंडर कर देते हैं सबसे पहले। तो ये जो पेजिनेशन काउंट था जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, मैं इसको एक फंक्शन में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, ओके, रेंडर पेजिनेशन, ओके। और ये फंक्शन इस तरीके से होगा, और यहाँ पर ये जो फॉर लूप है ये मैं इसके अंदर यहाँ पर डाल देता हूँ, ओके। और ये जो सर्टन कॉम्बिनेशंस हैं ये हम लोग उसको पास करेंगे यहाँ पर पैरामीटर से, ओके, और उसके बिहाफ पे वहाँ पर वो रेंडर कर देगा, ठीक है। और ओके, तो अभी ये करंट काउंट जो है हम लोग यहाँ पर रेंडर पेजिनेशन फंक्शन को इधर कॉल करके उसको सिंपली मैं ये पेजिनेशन काउंट पर नंबर ये पास कर दूंगा, जिससे वो रेंडर हो जाएगा, ग्रेट, ओके। सो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक रेंडर पोस्ट लिस्ट करके फंक्शन बनाते हैं, ओके। और यहाँ पर ईच इंडिविजुअल यहाँ पर फंक्शन होगा जिसमें हम लोगों को पोस्ट लिस्ट पैरामीटर में मिलेगा, और हम लोग उसको यहाँ पर रेंडर करने का ही वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ही इसमें ऊपर इधर वो कॉल करेगा रेंडर पोस्ट लिस्ट, और यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स और डेटा इस तरीके से पास कर लेंगे, जो इसको यहाँ पर पैरामीटर से मिलेगा। अभी सिंपली मुझे यहाँ पर ईच इंडिविजुअल एलाइज क्रिएट करके अपेंड करनी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पर किया है, और इसको यहाँ पर मैं यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ उसका रैपर, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स और एचटीएमएल में यहाँ पर हम लोग को यही सेम एलाई क्रिएट करके यहाँ पर अपेंड करना है। तो ये हम लोग को इस यूएल पे करना है, तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और पोस्ट लिस्ट रैपर इस तरीके से क्रिएट करते हैं, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट और क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पर हम लोग डॉट यहाँ पर लिस्ट पास कर देंगे, ठीक है, जिससे वो यहाँ पर एक्सेसिबल रहेगा, और हम लोग इस पर ईच इंडिविजुअल एलाई क्रिएट करके इस पर हम लोग अपेंड करेंगे, ओके। तो इसको यहाँ पर रन करने से पहले पहले हम लोग इसको अगर कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो हम लोग उसको एम्प्टी कर देते हैं उसमें, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग को एलाई क्रिएट करना है जो कि यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो करता है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और इधर मैं पेस्ट कर दूँगा, ओके। सो यही एलाई हम लोग को क्रिएट करना है, और हम लोग को एक डिव क्रिएट करना है, और हम लोग को यहाँ पर इस तरीके से ऐड करना है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी सिंपली यहाँ पर मैं ईच इंडिविजुअल यहाँ पर सबसे पहले पेरेंट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, उसका मैं यहाँ पर लिस्ट पोस्ट लिस्ट आइटम इस तरीके से यहाँ दे देता हूँ, ओके। और यहाँ पर एस नहीं होगा एल, ओके। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट, और उसमें मैं ड्यू पास कर दूँगा जो यहाँ पर सॉरी एलआई जो यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और उस पोस्ट लिस्ट आइटम को हम लोग क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पर जो क्लास है मीडिया वो मैं पास कर दूँगा यहाँ पर, ओके। अभी यहाँ पर हम लोगों को जब हमने क्लास ऐड कर दिया है उसके बाद हम लोग अभी मीडिया बॉडी जो यहाँ पर हेडिव है उसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट। तो अभी यहाँ पर पोस्ट बॉडी में हम लोग सबसे पहले ये H1 भी यहाँ पर क्रिएट करते हैं, H1 हेडर जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसको नाम हेडर दे देता हूँ, जहाँ पर हम लोग को ये होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर हम लोग H1 H5 यहाँ पर पास कर देंगे, और इस हेडर को डॉट
क्लासलेस डॉट ऐड, बिकॉज हम लोग को एक क्लास ऐड करनी है, वो क्लास आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर है। यहाँ पर सिंपली मैं दे देता हूँ एम टी ज़ीरो के, और डुप्लीकेट करके हम लोगों को यहाँ पर एक और ऐड में कर देता हूँ एम पी वन। ठीक है, दो क्लासेस हम लोग इधर ऐड करते हैं। और यहाँ पर इस हेडर में डॉट इनर एच टी एम एल में यहाँ पर इक्वल टू हम लोग ये जो पोस्ट लिस्ट है, पोस्ट लिस्ट डॉट टाइटल, राइट, बिकॉज हम लोगों को वही इधर ऐड करना था, राइट। ग्रेट, अभी हम लोग ये जो बॉडी है इसमें हम लोग अपेंड कर देंगे, बिकॉज इसी में ही हेडर पहले चाहिए था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर डॉट अपेंड चाइल्ड, और हम लोग को जो हेडर है यहाँ पर वो मैं इधर ऐड कर दूँगा। ठीक है, सो अभी फिलहाल फाइनली ये बन गया है। ये हम लोग अंदर बॉडी के बारे में बात अलग से बात करेंगे, लेकिन हमने एच फाइव यहाँ क्रिएट कर दिया और इस मीडिया बॉडी पे हमने ये अपेंड कर दिया, तो इतना कंटेंट बन गया है। अभी हम लोगों को ये जो कंटेंट है इस मीडिया जो एला है उस पर अपेंड करना है, जो कि आप देख सकते हैं वो इधर है। वही सेम चीज़ मैं इधर भी कर देता हूँ, यहाँ पर पोस्ट लिस्ट आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, और ये पोस्ट बॉडी जो यहाँ पर बन रहा है वो भी मैं इधर ऐड करता हूँ। ओके, जिससे अब ये पूरा का पूरा यहाँ पर बन गया। अब फाइनली हम लोग को ये यू एल पे अपेंड कर देना है, जो इधर ये रैपर है। ओके, तो वो भी हम लोग मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पर पोस्ट लिस्ट आइटम अपेंड चाइल्ड, और ये पोस्ट लिस्ट आइटम जो है उधर अपेंड होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नीचे से ऊपर हमने देखा कि हमने हेडर क्रिएट किया। ठीक है, और फिर उस हेडर को हमने उस बॉडी के साथ इतना अटैच कर दिया। ठीक है, और फिर बाद में हमने इतना जो बना हुआ है उसको ये पूरा अटैच कर दिया, जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और फाइनली ये पूरा एल आई जो है उस यू एल पे हमें अटैच करना है, जो यहाँ पर इस लिस्ट अनस्टाइल्ड क्लास जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पर अपेंड कर दें फाइनली। ठीक है, तो इससे ये अभी ये पूरा बन जाना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट लिस्ट जो है एक एरे होगा, ये एक वैल्यू नहीं है, ये एक एरे है। तो उसी तरीके से हमें भी इसको लूप ओवर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर लूप नहीं, फॉर ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग को सिर्फ इटरेट होना है। और ये जो जितनी भी चीज़ें हम लोग कर रहे थे, हम लोग सिंपली इसको यहाँ पर से कट करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर ईच इंडिविजुअल पोस्ट आइटम हमें मिलेगा और वो हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर पोस्ट आइटम द टाइटल हो, अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं सेव करने के बाद में यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे टाइटल्स जो थे वो यहाँ पर रेंडर हो गए, आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग को उसके अंदर के जो कंटेंट है वो रेंडर करनी है। तो सिंपली मुझे अभी ये एच फाइव मैंने बनाया है, वहाँ पर ही अब मैं एक सिंपल सा डिव क्रिएट कर देता हूँ कि बॉडी कंटेंट जो कि होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर एक सिंपल सा डिव मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, और इस बॉडी कंटेंट डॉट इनर एच टी एम एल। ठीक है, उस इनर एच टी एम एल में हमें यहाँ पर पोस्ट आइटम जो वैल्यू था वो यहाँ पर मैं पोस्ट आइटम डॉट बॉडी इस तरीके से दे देता हूँ। और फाइनली जहाँ मैं हेडर अपेंड किया हूँ उसके बाद में मैंने पोस्ट यहाँ पर पोस्ट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसमें बॉडी कंटेंट जो है इधर मैं ऐड करता हूँ। तो अभी दोनों ही कम्प्लीटली बन गया है। अभी सिंपली यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ कि यहाँ पर कोई एक मिस्टेक हुआ है, हम लोग वो देख लेते हैं क्या मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर मैं कंसोल टैब में आता हूँ, पोस्ट आइटम इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो यहाँ पर पोस्ट आइटम इज़ नॉट डिफाइंड ये कह रहा है। ओके, यहाँ पर ये सी ऐड आ गया, यहाँ पर मैं इसको चेक प्रॉपर कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रेट, अभी देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर रेंडर हो गया। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ईच इंडिविजुअल एला एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। और बूस्ट टाइप का एक क्लास है, मैं चाहिए तो यहाँ पर वो दे देता हूँ, वो ये कि यहाँ पर एम टी टू, जिससे एक मार्जिन टॉप इधर ऐड हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस हम लोग को यहाँ पर दिखाई देगा, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ग्रेट, तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा पोस्ट तो रेंडर हो गया, पर अभी इसके क्लिक के ऊपर हम लोग कैसे रेंडर करें, बिकॉज ये अभी जो रेंडर हुआ है ये आप देख सकते हैं कि ये फिक्स्ड रेंडर हुआ है यहाँ पर 0 से लेके 10 तक। तो हम लोगों को चाहिए कि जैसे ये पेजिनेशन पे क्लिक हो, ईच इंडिविजुअल एला एलिमेंट पे क्लिक हो, तो वो कंटेंट रेंडर होना चाहिए। मतलब कि अगर ये 1 पे हो तो 0 से लेके 10 तक होना चाहिए, 2 पे क्लिक हो तो 11 से लेके 20 तक होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अभी ये 5 के रिस्पॉन्स पे जा रहा है, तो मैं इसको फिलहाल वापस 10 कर देता हूँ, जिससे यहाँ पर सिर्फ 10 दिखेगा। ओके, तो अब देख सकते हैं कि 1 से 10 तक, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, तो अब यू गेट इट कि हम लोगों को उतने 10-10 के सेक्शन में यहाँ पर रेंडर करना है। अभी फिलहाल जो रेंडर हुआ है वो ये इस पर क्लिक के ऊपर जो होना चाहिए,
ज़ीरो से लेके वन से लेके जो 10 तक होना चाहिए वो यहाँ पर एंटर हुआ। तो अभी हम लोग वो कैसे करेंगे कि ईच इंडिविजुअल एलाइज़ को हम लोग को डिटेक्ट करके हम लोग को यहाँ पर कॉल करना और ये वैल्यूज़ जो है ये चेंज करना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पूरा जो रेंडर हो रहा था इसे भी हम लोग एक फंक्शन में बना देंगे गेट कंटेंट के, ताकि हम लोग इसको कॉल कर सके अभी ईच इंडिविजुअल वैल्यूज़ के क्लिक के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैं उस जो एक्सियोज़ तो गेट है वहाँ पर मैं पास कर दूंगा और ये पैरामीटर में एक्सेप्ट करेगा स्टार्ट और ये एक्सेप्ट करेगा एंड। ठीक है, और ये स्टार्ट और एंड हम लोग इधर दे देंगे राइट, और यहाँ पर भी मैं एंड इस तरीके से यहाँ दे देता हूँ। ओके, और जब इनिशियली लोड होता है तो हम लोग इसको कॉल करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं स्टार्ट यहाँ पर 0 और यहाँ पर 10 इस तरीके से पास कर दूंगा ताकि इनिशियली रेंडरिंग हो सके। अभी हम लोगों को क्या चाहिए कि ईच इंडिविजुअल यहाँ पर एलआई के क्लिक के ऊपर, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर इस आइटम के क्लिक के ऊपर हमें पता करना है कि क्या क्लिक हुआ है। अगर लेट सपोज ये क्लिक हुआ है तो हम लोगों को स्टार्ट क्या पास करना है 10 और एंड क्या पास करना है 20, ताकि 11 से 20 तक का जो वैल्यू है वो यहाँ पर रेंडर हो सके। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर पोस्टमैन में देखा था कि 0 10 दिया है, तो हम लोगों को फर्स्ट यहाँ पर बॉडी में हम लोगों को फर्स्ट 1 से लेकर 10 तक मिल गया। अगर लेट सपोज मैं इसको यहाँ पर 10 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको 20 कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर सेंड करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर से अब 11 से लेकर के ये 20 तक यहाँ पर एंटर कर दिया। तो हम लोगों को जैसे ही 2 पे क्लिक होगा तो हम लोगों को ये पास करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टार्ट और एंड हम लोग को जो इस ईच इंडिविजुअल पेजिनेशन के क्लिक के ऊपर पता करना पड़ेगा कि क्या वैल्यूज़ वो हैं। अगर 1 पे है क्लिक हुआ है तो हमें यहाँ पर स्टार्ट 0 होगा और एंड 10 होगा। उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ पे देखना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अभी लेट्स सपोज उसके लिए हम लोग एक सर्टन फार्मूलाज देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग 1 पे क्लिक होने के बाद में, 3 पे क्लिक होने के बाद में, और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे क्या वैल्यूज़ होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग अगर लेट्स सपोज 1 पे क्लिक होता है तो एंड हम लोग कैसे कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं, तो उसका हम लोग सिंपल से कैलकुलेशन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जो जिस पे क्लिक हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 पे क्लिक हुआ है, इनटू हम लोग यहाँ पर फार्मूला पता करना है वो है पर पेज काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला एंड का क्या है, ठीक है, एंड का कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि एंड 1 इनटू पर पेज काउंट, जिससे हम लोग को यहाँ पर एंड मिल जाएगा। तो 1 क्या है, बिकॉज इस पर क्लिक हुआ है राइट, तो 1 इनटू पर पेज काउंट जो क्या है 10, जो आपको ईच इंडिविजुअल एक टाइम पे बतानी है, 5 बताना है, 10 बताना है, 12 बताना है, जो वैल्यू आपको बताना है। तो पर पेज हमें यहाँ पर 10 बताना है, तो 1 इंटू 10 कितना होता है यहाँ पर 10, तो एंड वैल्यू हमें मिल गया। अभी हम लोग स्टार्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला यहाँ पर ये है, रिमूव कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। तो स्टार्ट को कैलकुलेट करने का वैल्यू यहाँ पर है कि जो एंड वैल्यू है माइनस पर पेज काउंट, ठीक है, तो ये होगा। तो यहाँ पर एंड क्या है हमारे यहाँ पर 10, ठीक है, और पर पेज काउंट कितना है यहाँ पर 10, तो स्टार्ट होता है 0, ठीक है। उसी तरीके से अब ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है, डोंट वरी, हम लोग जितने नंबर्स पे देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है पता नहीं क्यों, पर एनीवेज तो अभी यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर अभी सेकंड नंबर पे जब क्लिक होगा तो स्टार्ट और एंड क्या होना चाहिए वो देखेंगे। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले एंड कैलकुलेट करना है, तो 2 इंटू ये जो इस 2 पे क्लिक हुआ इसलिए, और पर पेज काउंट, पर पेज काउंट कितना है हमने देखा है 10, तो यहाँ पर 2 इंटू 10 कितना होगा यहाँ पर 20, ठीक है। उसी तरीके से लेट सपोज अभी हम लोग को स्टार्ट कैलकुलेट करना है इसका, तो यहाँ पर 20 हुआ है, तो एंड 20 माइनस पर पेज काउंट जो कि 10 है, तो वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा 10, ठीक है। तो हम लोग को इसका स्टार्ट और एंड दोनों यहाँ पर मिल गया। उसी तरीके से अब इमेजिन करिए अगर 3 पे क्लिक हुआ है तब ये क्या होना चाहिए। अब मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ फिर से, तो अभी 3 पे क्लिक हुआ है, तो 3 पे क्लिक होने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू, सबसे पहले हम लोग एंड कैलकुलेट करते हैं, तो 3 इंटू पर पेज काउंट कितना हुआ यहाँ पर होता है वो 30, करेक्ट। तो अभी यहाँ पर 30 जो कि एंड का वैल्यू है, स्टार्ट अभी हम लोग कैलकुलेट करना है, तो एंड जो कि 30 है माइनस पर पेज काउंट वो कितना है 10, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा 20। तो यहाँ पर स्टार्ट क्या है 20, एंड क्या है 30। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन करके हमें स्टार्ट और एंड मिल जाएगा,
और हम लोग जो है इस फंक्शन को जो यहाँ पर ये फंक्शन है गेट कंटेंट, इसको कॉल करेंगे, स्टार्ट और एंड पास करेंगे और हमें वैल्यूज मिल जाएगी और प्रॉपरली हम लोग यहाँ पर उसे रेंडर कर पाएँ। ओके, सो हम लोग उसको अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ईच इंडिविजुअल एल आई जो यहाँ पर है इस पेज आइटम के क्लिक के ऊपर हमें करना है। तो यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट भी यहाँ पर सेट कर देता हूँ और वो होगा यहाँ पर डेटा डैश नंबर। ओके, और यहाँ पर मैं जो आई का जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ ताकि मुझे वो मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। तो ये डेटा डैश देने से आप कोई भी कस्टम एट्रीब्यूट यहाँ दे सकते हैं, बस उसको यहाँ पर डेटा डैश करके कुछ भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, उससे वो एक एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा और हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ। ओके, और मैं अभी इसको इंस्पेक्ट करूँगा, आप यहाँ देखेंगे कि मुझे यहाँ पर डेटा डैश नम दिख जाएगा 1 2 3। ओके, अब मैं इनर एचटीएमएल से भी ले सकता था पर मैंने सिंपली यहाँ पर फॉर इजी एक्सेस करने के लिए मैंने आपको उसको इधर इस तरीके से स्टोर किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं एक पेज आइटम डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं ईच इंडिविजुअल यहाँ पर इवेंट जो होगा वो क्लिक इवेंट यहाँ पर मैं डिटेक्ट करूँगा। राइट, ओके, और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन होगा। ठीक है, और हम लोगों को यहाँ पर एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा और इस इवेंट ऑब्जेक्ट से मुझे पता चलेगा कि इस पर क्लिक हुआ, या फिर आप क्योंकि मैं यहाँ पर अंदर ही लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर एक्सेस भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये एट्रीब्यूट को यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, वैसे केस में अगर आप ये इवेंट लिस्ट से बाहर कहीं ऐड कर रहे हैं तो आपको ये एक्सेसिबल नहीं रहेगा, पर क्योंकि हम लोग इसी फंक्शन के अंदर इसी लूप के अंदर एक्सेस कर रहे हैं तो ये एक्सेसिबल रहेगा। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाता हूँ काउंट, ठीक है, जो बेसिकली होगा आई प्लस वन, और इस काउंट को हम लोग मैं यहाँ स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इस काउंट को जो है इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। तो सिंपली अभी यहाँ पर ये जो गेट कंटेंट है इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा इसके अंदर। ओके, और यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, यहाँ पर मुझे स्टार्ट पास करना है, क्या स्टार्ट है राइट, और यहाँ पर क्या एंड। ठीक है, अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, इससे हम लोगों को काउंट हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली काउंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग, मैंने आपको बताया कि हम लोग एंड कैलकुलेट करेंगे, तो एंड वैल्यू यहाँ पर होगा क्या, हम लोग ने यहाँ पर क्या दिया था कि वैल्यू इनटू पर पेज काउंट। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, हम लोग यहाँ पर काउंट हमारा वैल्यू है इनटू यहाँ पर पेज काउंट। पर पेज काउंट कितना हमने यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पर बाहर लेके आ जाता हूँ ताकि ये उधर भी अंदर भी एक्सेसिबल रहे। तो ये पर पेज काउंट में इसके अंदर यहाँ पर एक्सेसिबल रहने के लिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर के इधर नीचे इनटू पर पेज काउंट रहेगा, जिससे हम लोग को एंड वैल्यू मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट कैलकुलेट करता हूँ, कॉन्स्ट स्टार्ट इक्वल टू यहाँ पर एंड माइनस पर पेज काउंट, जिससे हम लोगों को जो है स्टार्ट वैल्यू मिल जाएगा और हम लोग उसको यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। तो अभी हम लोग को कॉल करने से पहले मैं यहाँ पर इसको मैं कमेंट करता हूँ और अभी इन दोनों को मैं कंसोल लॉग यहाँ कर देता हूँ, स्टार्ट को और यहाँ पर एंड को, देखेंगे कि हमें वैल्यूज़ प्रॉपरली मिल रही है या नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ पर आता हूँ ब्राउज़र में, यहाँ पर आके रिफ्रेश कंसोल में, अब मैं यहाँ पर 1 पे क्लिक करूँ आप देख सकते हैं 0 10 आया, मैं यहाँ पर 2 पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं 10 20 आ रहा है, मैं 3 पे क्लिक करूँ आप देख सकते हैं 20 30 आ रहा है। जिससे आप देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर ईच इंडिविजुअल वैल्यूज मिल जाएगी और वो हम लोग प्रॉपरली इसको पास करके कंटेंट हमें मिल जाएगा। ग्रेट, सो यहाँ पर रिफ्रेश हो गया है, अब मैं यहाँ पर 2 पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर जो वैल्यू है वो 20 से 30 तक का इधर आया है। तो उसे प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इस ईच इंडिविजुअल हेडर में जो यहाँ पर हेडर एंडर हो रहा है, ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं प्लस यहाँ पर पोस्ट आइटम डॉट आई डी यहाँ पर अटैच कर दूंगा ताकि हम लोगों को वो आई डी का डिफरेंस पता चल सके। ओके, आप देख सकते हैं कि रिलोड हुआ है, तो आप देख सकते हैं 1 से हम लोगों को यहाँ पर 10 तक रेंडर हुआ। ठीक है, अब मैं 2 पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 से यहाँ पर 20 तक रेंडर हुआ। अब मैं यहाँ पर 3 पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं 21 से यहाँ पर अभी 30 तक रेंडर हुआ। इस तरीके से आप देख सकते हैं अभी हम लोग पेजिनेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाए। ओके, तो अभी यहाँ पर जैसे ही क्लिक हुआ है तो इधर एक एक्टिव क्लास भी हम लोग ऐड कर सकते हैं चाहिए तो, इस पर मैं सिंपली एक आई थिंक एक एक्टिव क्लास हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर, जिससे आप देख सकते हैं कि वो हाईलाइट हो जाएगा।
मैं यहाँ पर getbootstrap.com पे आता हूँ कि वो क्लास क्या है। स्टार्टेड इमेजिनेशन सर्च करते हैं और आप देख सकते हैं कि उसमें मुझे जो वैल्यू ऐड करनी है वो एक्टिव उस पेज आइटम पे, उस एल आई पे नहीं, उस पेज आइटम पे मुझे वो ऐड करना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं अगर लेट्स सपोज इधर मैं पेज आइटम ऐड करूँगा तो देख सकते हैं वो हाईलाइट हो जाएगा। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जब हम लोग इसको रेंडर कर रहे हैं तो हम लोगों को किधर ऐड करना है, वो इस पेज आइटम पे यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ यहाँ पर पेज आइटम डॉट क्लास लिस्ट, और यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इफ़ ये जो आई है, आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये पहला वाला है तो मुझे बाई डिफ़ॉल्ट, अब देख सकते हैं कि हम लोग ये पहला वाला करते हैं तो इसलिए मुझे यहाँ पर चेक करना है कि ये वन है। तो सिंपली यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक्टिव, जिससे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ताकि अब मैं रिफ़्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं कि जो पहला जो इंडेक्स रहेगा वो इधर हाईलाइटेड, ग्रेट। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि इस टू पे क्लिक के ऊपर, आप देख सकते हैं अब ये हाईलाइटेड नहीं रहना चाहिए, टू हाईलाइटेड रहना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, उस पेज आइटम पे जिस पे ये क्लिक हुआ है उस पे अभी मैं ऐड करूँगा डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पर मैं एक एक्टिव क्लास ऐड करूँगा बिकॉज जिस पे क्लिक हुआ है अभी वो हाईलाइटेड रहना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं सेव करके रिफ़्रेश, अब मैं यहाँ पर सेकेंड पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि ओके यहाँ पर मिस्टेक, ओके राइट। सो अभी यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश करूँगा, ओके और मैं अभी यहाँ पर सेकेंड पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि अब ये हाईलाइटेड यहाँ पर नहीं रह रहा। अब उसका कारण ये है कि बिकॉज जब हम लोग यहाँ पर रेंडरिंग कर रहे हैं, इधर जो रेंडर पेजिनेशन कॉल कर रहे हैं, तो वो फिर से रीसेट हो जा रहा है बिकॉज़ ये फंक्शन फिर से पूरा पूरा कॉल हो जा रहा है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वो पूरा जो वैल्यूज़ है रीसेट हो जाएंगे, और जिसमें हम लोग पहले हमेशा आपको यही दिखेगा एक्टिव। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि जैसे इस पर क्लिक होता है हमें API कॉल तो करना है, पर हम लोगों को जो ये जो रेंडर पेजिनेशन है इसे रेंडर नहीं करना है बिकॉज इस पर क्लिक हुआ तो नया पेजिनेशन नहीं आया, वही पेजिनेशन है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसके अंदर गेट स्टार्टेड में मैं एक बूलियन ले सकता हूँ कि पेजिनेशन रेंडर, ओके और ये हम लोग अकॉर्डिंगली पास कर सकते हैं। तो ये सिंपली यहाँ पर जब इनिशियली इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको यहाँ पर मैं फॉल्स दे देता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हम लोग इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में देते हैं ES6 में, तो अगर मैं इसको चेक करूँगा यहाँ पर, अगर ये लेट सपोज ये अगर ट्रू होता है तो हम लोगों को कॉल इसको नहीं करना है, फॉल्स होता है तो कॉल करना है। तो सिंपली यहाँ पर लेट सपोज मैं राइट, तो यहाँ पर मैं नेगेशन देके यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से पास कर दूँगा। तो ये अगर फॉल्स है तो हम लोग इसको कॉल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है तो इसलिए जब यहाँ पर कॉल हो रहा है तो हम लोगों को इस तरीके से फॉल्स पास करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ जब हम लोग कॉल कर रहे हैं इसके क्लिक के ऊपर, यहाँ पर हम लोगों को इसको एज ए ट्रू पास करना होगा बिकॉज हम लोगों को यहाँ पर पेजिनेशन रेंडर नहीं करना है, ओके। अब मैं यहाँ पर सेव करके रिफ़्रेश होगा, मैं सेकेंड पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं अभी सेकेंड इधर हाईलाइटेड है। मैं फोर पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि अभी फोर इधर हाईलाइटेड है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बाकी जो यहाँ पर डॉम एलिमेंट्स है उसमें से मुझे एक्टिव क्लास को रिमूव करना होगा ताकि ये फोर एक्टिव है वो पता हो सके। तो वैसे केस में जो इसके यहाँ पर जितने सिबलिंग्स है, इस एल आई के यहाँ पर जितने सिबलिंग्स है उसमें मुझे एक्टिव क्लास को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये एक्टिव क्लास ऐड करने से पहले तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पेजिनेशन रैपर को सेलेक्ट किया है, तो इसके चिल्ड्रन है उनमें से मुझे सारे के एक्टिव क्लास को रिमूव कर देना है, राइट। यहाँ पर सिंपली मैं इस रेंडर पेजिनेशन के अंदर यहाँ पर मैं इसको रिमूव ऑल एक्टिव क्लास, ठीक है। यहाँ पर मैं डॉट क्वेरी सेलेक्टर रन करूँगा ऑल, जिससे हम लोग को इसके अंदर जितने भी एल आई है, ठीक है, उससे मैं एक्सेस करके रिमूव कर देना है मुझे, जिस पे यू नो ये एक पेज आइटम भी क्लास से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एल आई यहाँ पर सेलेक्ट किया हूँ, और एक क्वेरी सेलेक्टर ऑल जो है एरे लाइक वैल्यू रिटर्न करता है, एरे वैल्यू नहीं रिटर्न करता है, इसलिए मैं एरे डॉट फ्रॉम रन करूँगा, ठीक है, जिससे एक्चुअल एरे बन जाएगा और फिर मैं उस पर फॉरिच यूज़ कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट फॉरिच नहीं यूज़ कर सकता बिकॉज वो एरे लाइक वैल्यू रहता है, एग्जैक्ट एरे नहीं रहता, इसलिए एरे डॉट फ्रॉम यूज़ करने से ये जो रिटर्न वैल्यू है ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगी और उस एरे पे फॉरिच मेथड है जो मैं यूज़ कर पाऊँगा। तो यहाँ पर मुझे लिस्ट आइटम यहाँ पर मिलेगा, और ये लिस्ट आइटम डॉट
क्लास लिस्ट, बिकॉज डॉट रिमूव मेथड यूज़ करके जो एक्टिव क्लास है उसको मैं रिमूव कर दूँगा. ओके, और फिर फाइनली यहाँ पर जो जिस पे क्लिक हुआ है उसमें हम लोग एक्टिव क्लास ऐड कर देंगे, जिससे उसके सिबलिंग से रिमूव हो जाएगा. अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पर आके मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ, अपने जैसे 11 से 20 तक वैल्यू आया है और यहाँ पर 1 से रिमूव हो गया. उसी तरीके से मैं 5 पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 41 से लेके यहाँ पर 50 तक रेंडर हुआ है और ये हाईलाइटेड है, बाकी यहाँ से रिमूव हो गया. ग्रेट. सो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखे हैं. यहाँ पर ये जो पेजिनेशन का जो कंसेप्ट भी हम लोग ने सीखा है, ये आप काफ़ी सारे एडवांस प्रोजेक्ट में भी पूछा जाता है. काफ़ी सारे आपको अब असाइनमेंट करने जाओगे इंटरव्यूज़ में, उसमें भी पूछा जाता है. और ये कंसेप्ट सिमिलर रहेगा, आप चाहे कोई और लाइब्रेरी में या किसी और तरह के फ्रेमवर्क में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो यहाँ पर हम लोग ने प्योर वेनिला जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट किया है और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने सीखा है. मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ. बाय गाइस.